नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में 2023 से शुरू हो गई 2024 की तैयारी, यानी कि राजनीतिक समीकरण तय होने शुरू हो गए। एक तरफ विपक्ष है जो अकेले अकेले लड़ने की बात कर रहा है। मायावती कह रही कि हम अकेले लड़ेंगे, अखिलेश कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, और राहुल गांधी जो है वो लोगों को जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लोग एक साथ आ नहीं रहे। लेकिन एक पार्टी है जिसका फोकस बिल्कुल तय दिख रहा है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उसमें एक बात हुई। एक बात क्या हुई कि जो जेपी नड्डा हैं, पुराने अध्यक्ष हैं, उनको एक साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया। अब वो एक साल और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और साथ ही साथ तय हो गया मिशन 80, यानी कि यूपी से ही बीजेपी ने 2024 की तैयारी की औपचारिक घोषणा कर दी है। और 80 की जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी, मिशन 80 की शुरुआत जो है वो होगी गाजीपुर से, उस जगह से जो इलाका है अतीक अहमद का, उनके भाई अफजाल अहमद का। और वहां से बिगुल फूकेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि वो 20 जनवरी को आने वाले हैं गाजीपुर, और वहां से वो अपनी पहली रैली करेंगे। यानी कि जेपी नड्डा को जो ये एक्सटेंशन मिला है, उसके बाद जो अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गाजीपुर में। गाजीपुर में वो सीट है जहां से सांसद रहे हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहां से कई बार सांसद बने हैं बीजेपी के लिए, लेकिन यहां चलता किसका है, चलता है अंसारी परिवार का। और अभी फिलहाल मनोज सिन्हा को हराने वाले बसपा के सांसद अफजाल अंसारी हैं। हो सकता है वो अगली बार आपको सपा में दिखाई दें, या हो सकता है वो बीएसपी से ही लड़ते दिखाई दें। लेकिन बीजेपी ने कमर कसी है उन सीटों को लेकर, वो 14 सीटें जो उनके खाते में नहीं है। और उनमें से एक प्रमुख सीट है गाजीपुर, जहां बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किलें खड़ी होती रही है। ऐसे में 20 तारीख को सबसे पहली रैली जो करने जा रहे हैं जेपी नड्डा, वो गाजीपुर से करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और चीजें तय हुई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। वो क्या तय हुई है, वो तय की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि जो लोग जीत गए हैं वो इसको एकदम आसानी से ना मानकर बैठ जाएं, क्योंकि ये चुनाव है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि पसमानदाओं से बातचीत की जाए, यानी कि मुसलमानों पर अब बीजेपी का फोकस होने वाला है। जिस पसमानदा, यानी जिस रामपुर समीकरण की बात बीजेपी कर रही है, वो आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। पसमानदा की बात हो रही है, उसके बाद जो तैयारी है वो गाजीपुर से हो, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य सीट, मुस्लिमों पर फोकस। बीजेपी का फोकस इस बार मुसलमानों पर होने वाला है। खास बात यह है कि बीजेपी उन सीटों को लेकर बहुत सक्रिय है जिस पर वो कभी नहीं जीती है, जहां उनके समीकरण, जाति समीकरण फिट नहीं होते हैं, वहां पर तैयारी दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 20 तारीख को गाजीपुर में कितनी भीड़ नजर आती है, और ये तैयारी जो बीजेपी कर रही है उसके काउंटर में विपक्ष क्या करता है। फिलहाल ये तो है चुनावी अपडेट। अगर आप चुनाव से लेकर यूपी की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यूपी तक। दीजिए इजाजत, नमस्कार।